हाय दोस्तों, मैं चंदन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप देख रहे हैं आर चंदन जीवन। दोस्तों आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज है संडे और हमारे यहां पूरा साफ सफाई का काम चल रहा है। तो यहां पर जैसे आप देख सकते हैं कि बाल्टी में पानी भरा जा रहा है और हमारी सुपर हीरो आ गई। ये मेरी माँ है और आज हम ही लोग का जो है चलने वाला है हाथ तो, हम ही लोग का प्रोग्राम है। तो हम लोग सुबह से लगे हुए हैं और पूरा साफ सफाई हो रहा है, जैसा कि आगे वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि पूरे घर का जो है जो भी मतलब हम लोग यहाँ तो ज़्यादातर मतलब शहरों की तरह घर नहीं रहता, चूँकि यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सब्जी अगर आते तो वो भी घर में रखाता है, अनाज है वो भी घर में रखाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इसका मैं आपको डिटेल नहीं दे सकता, फिर भी साफ़ सफाई तो करनी पड़ेगी और घर को साफ रखना पड़ेगा। तो वो प्रयास हम लोग करते हैं, हर एक से दो दिन बाद जो है पूरा घर का जो है सफाई होता है और जो भी सामान तितर बितर है उनको हम लोग सजाते हैं संवारते हैं। और तो चलिए आगे देखते हैं आज का पूरा दिन जो है कैसा रहने वाला है। Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you. Oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone. को मिलवाते हैं हम अपने दूसरे सुपर हीरो से, जो है मेरी दादी। और सुबह से देखिए यहाँ पर जो है मैंने मरचा जो आपको पहले वीडियो में बताया हुआ था कि सुखाने के लिए रखा हुआ था, अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से दादी जो है मेरी मरचा हमला के ऊपर रख दिए हैं और ये पूरे मरचा को जो है पूरे छत पर छीट रही है। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये इतना ज़्यादा छीट देती है कि कभी बारिश अगर आ जाए तो जल्दी इकट्ठा करते करते हम लोग जो है थक जाते हैं, इकट्ठा नहीं होता। और ये रहा मेरा गांव कि आप देख सकते हैं, अभी ऐसे 5 दिन पहले जो एकदम पूरा सफ़ेद सफ़ेद हुआ करता था, अभी देखिए कितनी अच्छी हरियाली आ गई यहाँ पर। तो ये है आपको एक और मस्त व्यू मेरे तरफ से, देख सकते हैं आप। अरे यहाँ पूरब का सूरज, तो गुड मॉर्निंग सूरज देव। और इधर भी बहुत सारी मकाने हैं, ये हमारा आंगनबाड़ी है यहाँ पर। और इधर जो है अभी स्कूल बनने वाला है, प्राइमरी स्कूल, ये जो आप खाली जगह देख रहे हैं यहाँ पर। हालांकि पढ़ाई शुरू हो गया, बच्चे आते हैं लेकिन वही पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, जो कि 19वीं शताब्दी की तरह मतलब दिखता है नज़ारा वहाँ का। तो मैं उसका भी एक दिन वीडियो बनाऊंगा, आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे जो है कितनी मस्ती से पीपल के पेड़ के नीचे जो है एंजॉय करते हैं। Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you can save me, baby. But ये है मेरी फुआ। और देखिए सुबह से आई है, तब से काम पे लगी हुई है। इसको ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग खाना बनाएंगे तो इसको नहीं देंगे खाने के लिए। तो दोस्तों ये है मेरा छोटा सा किचन, यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर में, यहाँ जो है ये मैंने सिल्वर फॉल पेपर लगाया हुआ जो मीशो से मैंने ख़रीदा हुआ था। और यहाँ पर एक और यूनिक चीज़ है आपको दिखाना चाहूँगा मैं, ये मसाला वगैरह रखने के लिए जो मैंने ख़रीदा हुआ था आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा है और काफ़ी अच्छा भी है। इससे सामान जो है काफ़ी कम जगह पे जो है बहुत सारी चीज़ें रखी जा सकती हैं। और ये मेरे मैडम को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लग रहा मुन्ना भाई। तो
तो काम करते करते थक गए हैं, है ना। अब समय हो गया एक वाटर ब्रेक का ना। तो घर में नींबू है, चीनी है, बनाते हैं शरबत। फिर किधर गया नींबू, किधर गया? एक नींबू